भले ही सूबे के मुख्यमंत्री ने गौ रक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं और अधिकारियों के ढीले रवैये पर दंड, लेकिन उसके बाद भी गौ कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन गौ तस्कर गौवंशों की हत्या कर रहे हैं। मामला बागपत जनपद के लुहारी गांव से है, जहां हिंदुओं के पर्व दीपावली के त्यौहार पर गौ तस्करों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। एक दो या दो चार नहीं बल्कि 9 से 10 गायों गौवंशों की कटान कर दर्दनाक हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, गौवंशों की हत्या कर उन्हें पुलिस चौकी के नजदीक जंगलों में खुलेआम फेंक दिया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और भाजपा के बड़ौत विधायक केपी मलिक व हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। हंगामा खड़ा होता देख डीएम और एसपी बागपत भी सूचना पर पहुंचे। लोगों में गुस्सा और तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। घंटों हुए हंगामे के बाद किसी तरह डीएम और एसपी बागपत के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल गौवंशों को घटनास्थल से हटाकर पीएम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस के अधिकारी 48 घंटे में घटना का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में कहते हैं कि यदि कहीं गौवंशों का कटान किया जाएगा तो उसका जिम्मेदार वहाँ का डीएम और वहाँ का एसपी होगा, जिन पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन बागपत में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना ही अभी तक किसी दोषी अधिकारी या पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की गई है। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव में रात घटना हुई है, यहाँ 5 गाय के सब मिले, इनके पैर मिले, इनके अंगठे मिले। रात्रि में कोई घटना उतर के जो है लेकर उनको जो है काट सी काट दिया, पैर काट दिए। ये घटना जो हुई आपके गांव में, ये आपके गांव वाले की शोर भी है? ये तो अभी गांव में तो हमें लगता नहीं कोई ऐसा हमारे गांव में आदमी हो कुछ काम करता हो। गाँव में कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। अभी देखो इसमें जांच चल लगी, अधिकारी लोग आए थे, डीएम साहब भी आए, कप्तान साहब भी आए, डीएम साहब में सभी लोग थे। आप मांग गया है? हमारी मांग तो यही है कि भाई इसमें जो है इसका जो है ये जल्दी से जल्दी इसका खुलासा है, कौन लोग है, उनको सजा कड़ी सजा मिले। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, घोर अन्याय किया है उन्होंने लोगों के साथ। इसके गांव में क्या है माहौल है? गांव में शांति का माहौल तो है, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है इसके प्रति के भाई ये मतलब ये बुरा काम किया उन्होंने गौ माता के साथ। देखिए ये शासन की प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हम लोगों को कि किसी भी तरीके के जो निराश्रित गोवंश हो या किसी भी तरीके के गोवंश के कटान पे 100% रोक है और 0% टॉलरेंस है। आपने देखा होगा कि पूरे जनपद में प्रभावी कार्रवाई हुई, जिन क्षेत्रों से ये सूचनाएं आती थी वहाँ पर ना सिर्फ गैंग पंजीकृत किए गए बल्कि लोगों को पकड़ा भी गया, गैंग के लोग पकड़े भी गए, जेल भी गए हैं। और पिछले 2 महीने से जब से हमने ज्वाइन किया है तब से बिल्कुल 0 हो गया था। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी घटना हुई है, यहाँ पर करीब 5 पशुओं के सर हम लोग अभी यहाँ पर मिले हैं। तो अभी ग्रामीणों की मांग यही थी कि पहले तो यहाँ पर चौकी पे जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है जितने भी लोग हैं और उसमें और भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी अगर उनकी कोई संलिप्तता पाई जाती है। बाकी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जो लोग भी दोषी हैं। एक हफ्ते का टाइम लाइन मिला लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि 48 घंटे के अंदर ही हम इसको सही से वर्कआउट करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। थैंक यू।